एवरीवन, वेलकम टू सिटी वाइड सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। भाई सीटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टार्ट कर दिए या फिर सोच रहे हो स्टार्ट करने का, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग वो गलती करें जो कि 2022 वाले बच्चों ने करी, 23 वाले बच्चों ने करी या फिर 24 वाले बच्चों ने करी। क्योंकि इस एग्जामिनेशन, ये एग्जाम बहुत डायनेमिक है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। कुछ जो टेस्ट है ऐसे होते हैं कि मोस्ट कॉम्पिटेटिव टेस्ट है, लेकिन उनके अंदर सक्सेस रेट बहुत कम है, और उसके भी कुछ कारण है। तो आपको वो रीजन जानने चाहिए कि ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या रीजन है कि उनके अंदर लेस सक्सेस रेट है, और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। देखो, अगर आपको गलतियां पता चल जाए तो आप उनको पहले से ही ओवरकम करने का प्लान कर लेंगे। तो आई होप कि आप अगर सीयूटी 2025 प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से मोस्ट कॉम्पिटेटिव टेस्ट है और उनके अंदर सक्सेस रेट क्या है, सक्सेस रेट कम है तो कम क्यों है, किस वजह से, और आप उनको कैसे ओवरकम कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बताऊं, यहां पर सीयूटी यूजी एग्जाम की अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करूं, ओवरऑल कंपटीशन के एनालिसिस कर लेते हैं। हमने ये देखा कि अगर हम 2022 की बात करें, देखिए 2022 की बात करें तो 14,90,000 यूनिक स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन आए। 2023 में 16,85,000 के आए, लेकिन यूनिक स्टूडेंट्स की बात करें तो 14,99,000 या 16,85,000 स्टूडेंट जो थे उन्होंने रजिस्टर किया, लेकिन जो फी पेमेंट कर पाए आखिरी टाइम तक वो 14,99,000 बच्चे ही कर पाए। भाई फी की डेट निकल गई, लास्ट में पोर्टल हैंग हो गया, बच्चे पेमेंट नहीं कर पाए। तो इतने सारे बच्चे, लगभग देखो 1,25,000 से भी ज्यादा बच्चे ऐसे बचे, सॉरी 1.8586 लाख ऐसे बच्चे बचे जो कि अपना फी पेमेंट नहीं कर पाए। अब देखा गया, क्योंकि एग्जाम के अंदर ग्लिचेस आए, कई बार बच्चे एग्जाम का बच्चों को पता ही नहीं चला कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा, अपना पोर्टल चेक नहीं करते बच्चे कि यार इस मेरे पोर्टल पर एडमिट कार्ड आया नहीं आया, अपना ईमेल चेक नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन चेक नहीं कर पाते। तो देखा गया कि 2022 में 9,68,201 बच्चे एपियर हो पाए और 2023 में 11,16,011 बच्चे एपियर हो पाए। अगर मैं 2024 की बात करूं तो कितने बच्चे 13.48 लाख, लगभग 13.5 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किए, और अभी डेटा आना बाकी है कि कितने बच्चे अपीयर हुए। सो दिस इज द ओवरऑल कंपटीशन फॉर द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, एंड द सेम कंपटीशन, बल्कि और ज्यादा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा 2025 के अंदर, जहां पर यह देखा जाएगा कि लगभग 15,16,000 यूनिक स्टूडेंट विल रजिस्टर फॉर द सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन। सो बी रेडी फॉर दैट, सबसे पहली बात हुई। फिर दूसरी बात मैं बताऊं कि कौन से ऐसे सक्सेस रेट की बात कर लेते हैं, ओवरऑल सक्सेस रेट, देन विल मूव टू दी मोस्ट कॉम्पिटेटिव टेस्ट, उनका सक्सेस रेट। सक्सेस रेट की बात करें तो भाई 2022 में 9,68,201 बच्चों में से 21,159 बच्चों का 100% आया। 100% वाले का ही यहाँ पर भाई बोलबाला है, एक बात ये गांठ बांध लो, उसी बच्चे का बोलबाला होता है, उसी बच्चे का डंका बजता है जो कि 100% लेकर आता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जब टॉप कॉलेज की तरफ आप जाते हैं भाई, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जितने भी आप सीयूटी एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं 100% की डिमांड करते हैं। तो आज ही इस बात को अपने पल्लू बांध लो और भैया उस हिसाब से अपनी स्टडी प्लान करो, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 2023 में देख लो 22,836 और लगभग 2,00,000 बच्चे बढ़ गए थे, अपीयर हुए 2,00,000 बच्चे ज्यादा 2022 के कंपैरिजन में, लेकिन 100% वाला आंकड़ा इतना नहीं बढ़ा। इसका रिजल्ट क्या हुआ, सक्सेस रेट कम हो गया। अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूं तो 2022 में 2.18%, 2023 में 2.04%। तो सीयूटी एक ऐसा एग्जाम है जिसका सक्सेस रेट कम है, और वो बच्चा जो कि 100% मतलब सक्सेस रेट का मतलब 100% आने वाला बच्चों का जो रेट है वो कम है, और 100% वाले बच्चों का ही बोलबाला होता है टॉप कॉलेजेस में। एक सबसे बड़ा लेसन आपको यहां पर मिल गया होगा। इसके बाद मोस्ट कॉम्पिटेटिव अगर मैं बात करूं, मोस्ट कॉम्पिटेटिव टेस्ट कौन से है, ओवरऑल कॉम्पिटिशन क्या है उन मोस्ट कॉम्पिटेटिव टेस्ट में, तो भैया 63 सब्जेक्ट टेस्ट है आज की तारीख में सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के अंदर, जहां पर 13 लैंग्वेजेस, 29 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट लोता देखा जाता है। इन तीन सेक्शन में, इन सभी सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर दो ऐसे टेस्ट हैं जो कि हर बार सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव रहते हैं, हर बार उनके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज में देखो 4,85,000 बच्चे 2022 में, 2023 में 7,19,000 बच्चे, और 2024 की अगर मैं बात करूं, देखो 2023 में 7,19,000, 2024 की बात कर ले 10,00,000 से भी ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। आप देख रहे हो 4,85,000, 7,19,000, फिर 2024 में 10,00,000 से भी ज्यादा बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब उसके बाद बात आती है जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट में देखो 4,50,000 2022 में बच्चे अपीयर हुए हैं, 2023 में 6,71,000 और 2024 में भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लगभग 8,34,000 से भी ज्यादा बच्चे जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर हुए हैं या रजिस्टर किए हैं।
तो आप देख लो किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है साल दर साल 2025 में। नो बडी नोज कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 12 लाख से भी ज्यादा, 13 लाख से भी ज्यादा बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, आईपीआर हूं। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉम्पिटेटिव टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज इज मोस्ट यूजफुल टेस्ट आई हैव टू से। ऐसा टेस्ट सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला है आपको, क्योंकि बी ऑनर्स इंग्लिश बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। एक इंग्लिश भाषा है और एक हिंदी भाषा, कई सारी यूनिवर्सिटीज के लिए इंग्लिश या हिंदी में से एक मांगता है और कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए इंग्लिश कंपलसरी मांगता है। तो इस वजह से बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपियर होता है। जनरल टेस्ट की बात करें, मोस्ट इन डिमांड कोर्स या टॉप इन डिमांड कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, अब वहां पर जनरल टेस्ट कंपलसरी है। बीबीए, बीएमएस, बीबीई, बीटेक की बात करें आप, और मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन की बात कर लें, और अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो भैया जनरल टेस्ट सभी कोर्स के लिए कंपलसरी। ये सबसे बड़ी वजह है कि जनरल टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अपियर होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मोस्ट कॉम्पिटिशन देखा जाता है, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन देखा जाता है। अब सक्सेस रेट की बात करो, देखो यहाँ पर 2022 में केवल 8,236 भैया सक्सेस रेट 1.69%, 2023 में कम हो गया 0.78%, 2024 के अंदर और कम होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर बहुत अटपटा आया है। एनटीए ने इसका एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत तरीके से बदल दिया भाई, पूरा यू टर्न ले लिया एनटीए ने। एनटीए ने यहां पर क्या करा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए भाई, क्वेश्चंस ग्रामर वो क्या बिंग की वेटेज के साथ छेड़छाड़ करी। अभी बताऊंगा कि क्यों सक्सेस रेट कम है और आपको क्या लेसन मिलता है यहाँ से। 2022 में जनरल टेस्ट के अंदर सक्सेस रेट 0.012% और 2023 में 0.005%। कैन यू बिलीव दिस, केवल 56 बच्चों का 100% आ रहा है, फिर 36 बच्चे रह गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर, लेकिन सक्सेस रेट और भी कम होता जा रहा है। सबसे बड़ी वजह इन टेस्ट के अंदर कि क्यों है सक्सेस रेट कम, चलिए एक एक करके बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें भाई, सबसे पहला जो ब्लैक होल है, जो ब्लैक होल है एनटीए की तरफ से, या फिर यू नो एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों को बहुत परेशान करती है, कि देयर इज नो डिटेल सिलेबस अवेलेबल ऑन द एनटीएस वेबसाइट। एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूटी यूजी की, वहां पर कोई डिटेल सिलेबस नहीं है, और इसके चेंज करता है पैटर्न में हर साल, साल दर साल कुछ ना कुछ चेंज करता है एनटीए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। 2022 में 30% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 70% वोकैबुलरी ग्रामर, 2023 में वो वेटेज जो थी ग्रामर की बढ़ा दी भाई 2022 के मुकाबले, और पोइट्री एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैराग्राफ डाल दिए। वरना क्या कहते भैया, नैरेटिव पढ़ लो, फैक्चुअल पढ़ लो, लिटरेरी पढ़ लो, तीन तरह के पैराग्राफ, यहाँ पे क्या आ गया, पोइट्री एक्सट्रैक्ट भी आ गया। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे गए जो कि बिल्कुल नए थे एग्जामिनेशन के अंदर। 2024 आया, एनटीए ने फिर से अपना गेम खेला, 48% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैन यू बिलीव दिस, 48% वेटेज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, 24 सवाल, 4 पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ पर 6 सवाल, ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया, और ये एनटीए ने सीयूटी यूजी में देखा। और 52% वोकैब और ग्रामर की, और शॉकिंग फैक्ट ये रहा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और यू नो वॉइस वाले जो क्वेश्चन है वो साथ ही साथ स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। इस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इसका सक्सेस रेट मुझे तो कम होता दिखाई दे रहा है, जैसे रिजल्ट आएगा आपके सामने कहानी होगी। अब जनरल टेस्ट की बात करें, सबसे पहली बात कि यहां भी कोई डिटेल सिलेबस अवेलेबल नहीं है, यहां भी 2023 में देखा गया है लेवल ऑफ क्वेश्चन जो थे एज कंपेयर टू 2022 बिट मॉडरेट साइड थे। 2023 की बात करें, और ज्यादा तरक्की कर ली भाई एनटीए ने जनरल टेस्ट के लिए 2022 के मुकाबले, यहाँ पे 2024 होगा सॉरी, 2024 का जो एग्जाम आया है 2023 के मुकाबले एनटीए ने और ज्यादा तरक्की करी। 2024 में क्या देखा गया कि 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के और 4 से 5 क्वेश्चन क्वांट के बच्चों ने बहुत ज्यादा टाइम लिया, और कई बार तो उन्हें सॉल्व भी नहीं कर पाए। जीके एंड करंट अफेयर की बात करें, लगभग 25 से 26 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर के पेपर के अंदर आउट ऑफ 60 क्वेश्चन, 50 करने होते हैं लेकिन 60 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन लगभग जीके एंड करंट अफेयर के भाई एग्जामिनेशन के लेवल को मॉडरेट की तरफ ले गए, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो हाई कर दिए इन्होंने हाई लेवल के। अब ये कैसे पता चलता है कि बच्चों के लिए हाई लेवल, भाई सक्सेस रेट खुद ही बता देता है। आप देख रहे हो यहां पर 80-80% वेटेज क्वांट रीजनिंग की, लेकिन 56% वेटेज 2024 में हो गई किसकी, आपकी क्वांट रीजनिंग की, और 44% वेटेज हो गई जीके एंड करंट अफेयर की। वेटेज बदल रही है, डिटेल सिलेबस अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए जरूरी है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लिस्ट बनाओ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज की चैप्टर वाइज लिस्ट बना ली भाई, उसको पढ़ना शुरू करो, हर एक चैप्टर से देखो किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करना है, टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बहुत कम टाइम मिलता है एग्जाम के अंदर और लेस सक्सेस रेट देखा जाता है। डिटेल सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है, यहां पर आपकी मैं एक हेल्प कर सकता हूं बहुत बड़ी,
कि भैया यहां पर आपको मिलने वाला है एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर, ये रहा, बहुत अच्छे व्यूज हैं यहाँ पर, डिटेल सिलेबस मैंने बताया है इंग्लिश लैंग्वेज का, आपका डोमेन का, जनरल टेस्ट का पूरा पूरा, ये रहा 2025 डिटेल सिलेबस, डोमेन लैंग्वेज सेक्शन और जनरल टेस्ट। इस वीडियो को जाकर चैनल पर देख लो, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, एक चैप्टर लिस्ट आपको मिल जाएगी, उस हिसाब से आप अपना स्टडी को प्लान कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन दिस वीडियो, विश यू अ वेरी गुड लक। आई होप कि समझ में तो आ गया होगा यार जो भी मैं समझाना चाहता हूँ आपको। आई होप कि आप लोग आगाह तो हो गए होंगे, मेरा मकसद डराना नहीं होता, मेरा मकसद आगाह करना होता है बच्चों को, और यही टाइम है, क्योंकि जब आप किसी एग्जामिनेशन के किसी सब्जेक्ट को पूरे साल पे प्रिपेयर करते हैं, है कोई माइकल लाल जो आपको रोक दे 100% लाने से? सो गाइस, यू कैन कॉल एट 7676563440 टू हैव आर सीयूटी कोर्सेज, बिकॉज सुपर गैट की बात करें तो ऑल इंडिया सीयूटी टॉपर पलक अग्रवाल मित्तल, 1200 आउट ऑफ 1200, 1166 आउट ऑफ 1200, ये थी हमारी दिविजा बंसल, कताई नहीं मदिता, 800 में से 800, और ये बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के टॉप कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको टॉपर प्रोड्यूसिंग मटेरियल चाहिए, टॉपर प्रोड्यूसिंग क्लासेस चाहिए, पेंटरशिप चाहिए, फिजिकल मटेरियल चाहिए, सब कुछ आपको मिलने वाला है, यू कैन कॉल एट जस्ट 7676563440। ये प्रमोशन नहीं है, ये बच्चों का भला करने वाली चीज है भाई। मैं नहीं चाहता, मैं फिर वो जैसे मैंने वीडियो शुरू करा था आपको पहले बताया था कि मैं नहीं चाहता कि बच्चे वो गलतियां करें जो कि हर बार करते हैं। जहां तक भी मेरा वीडियो पहुंचेगा वहां तक बच्चों की हेल्प होगी। विश यू अ वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच अगेन।